हेलो गाइस, मेरा नाम है छवि राम एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल छवि द राजपूत बॉय। आज मैं आप लोगों को सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये मेरा कॉलेज का नाम है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेरठ। एंड टूडे माई टॉपिक इज डिजाइन ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे ग्रुप मेम्बर हैं मोहित कुमार एंड छवि राम, जो कि मैं खुद हूँ, एंड बॉबी कुमार। चलिए गाइस, बात करते हैं सस्पेंशन ब्रिज की। ये एक इमेज है सस्पेंशन ब्रिज का। ये गोल्डन गेट ब्रिज है, सैन फ्रांसिस्को इंग्लैंड में सिचुएटेड है। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ सस्पेंशन ब्रिज, मतलब सस्पेंशन ब्रिज की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? जब हम नॉर्मल ब्रिज बना सकते हैं तो सस्पेंशन ब्रिज की क्या ज़रूरत है? चलिए बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सिंपल ब्रिज कैन नॉट बी यूज फॉर ए बिग फ्रंट ऑफ रिवर, मतलब जहाँ पर किसी नदी का या नहर का ज़्यादा रिवर का फ्रंट चौड़ा होगा, मतलब इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, वहाँ हम सिंपल ब्रिज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ ब्रिज की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और अगर पानी की गहराई ज़्यादा है तो हमें टावर कंस्ट्रक्शन भी बहुत महंगा पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। समथिंग अगर बन भी जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा और ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, इसलिए हम वहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज सिंपल ब्रिज कैन नॉट बी यूज फॉर कनेक्ट टू माउंटेंस, मतलब हिली एरियाज में या माउंटेंस को, दो माउंटेंस को कनेक्ट करने के लिए सिंपल ब्रिज यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहाँ पर टावर देंगे तो उसकी डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल ब्रिज मे नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एट अ मोर हाइट, सेम अगर जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है या हाइट ज़्यादा है उसकी ब्रिज बनाने के लिए, तो वहाँ हम सिंपल ब्रिज नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ एक तो इतना वेट ज़्यादा होता है उसका कंक्रीट का, तो हम सिंपल ब्रिज नहीं बना सकते। मतलब टू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम्स विच ब्रिज इज नीडेड, दैट्स कॉल्ड सस्पेंशन ब्रिज। चलिए आगे बात करते हैं कंटेंट। ये कुछ कंटेंट हैं जो सस्पेंशन ब्रिज बनाने के लिए यूज होंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड मटेरियल यूज़, कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं सस्पेंशन ब्रिज बनाने के लिए। डिजाइन, इसका कैसे डिजाइन किया जाता है, इसे कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन ब्रिज, क्या क्या मेन कंपोनेंट हैं इसके, जैसे केबल हो गया, टावर हो गया और अदर्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कैसे इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन टोटल। एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, यूज़ अदर देन रोड एंड रेल, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब हम सस्पेंशन ब्रिज का यूज़ रोड और रेल के अलावा भी कहाँ कर सकते हैं। लास्ट इज कंक्लूजन। चलिए आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, ऑल दोस फाइनली बिल्ट मोर देन अ डजन स्मॉल ब्रिजेस, द फर्स्ट मेजर ब्रिज दैट इनकॉर्पोरेटेड हिज टेक्निक वॉज बिल्ट बाई थॉमस टेलफोर्ड ओवर द मैन स्ट्रेट इन इंग्लैंड, कंप्लीट इन 1825। मतलब जो पहला ब्रिज बनाया था थॉमस टेलफोर्ड ने बनाया था मैन स्ट्रेट इंग्लैंड में, जो 1825 में कंप्लीट हुआ था। इसकी स्टोन टावर बनाया गया था इसमें, जिसकी हाइट 153 फीट थी, लगभग 47 मीटर। एंड द टोटल लेंथ ऑफ दिस ब्रिज इज 1710 मीटर, मतलब 521 मीटर लंबा ब्रिज था ये, जिसकी स्पैन थी 580 मीटर, लगभग 177 मीटर। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। द रोडवे विच वॉज 30 फीट वाइड, मतलब जो उस पर रोड प्रोवाइड की थी वो 30 फीट चौड़ी थी। चलिए आगे बात करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं सस्पेंशन ब्रिज के। अकाशी कार्गो ब्रिज जापान, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा ब्रिज है, जिसकी टोटल लेंथ 4 किलोमीटर है। एंड द मेन स्पान 1991 मीटर, मतलब जो मेन स्पान है इसकी 1991 मीटर है। और टोटल कॉस्ट इस ब्रिज की $3.6 मिलियन थी। कंस्ट्रक्शन टाइम, कितना टाइम लगा इस ब्रिज को बनाने के लिए, तो बात करते हैं 10 ईयर। नेक्स्ट इज गोल्डन गेट ब्रिज, ये जो फर्स्ट मैंने इमेज दिखाई थी वही है, गोल्डन गेट ब्रिज नाम है इसका, जो सैन फ्रांसिस्को इंग्लैंड में स्थित है। इसकी टोटल लेंथ 1966 मीटर एंड द मेन स्पान ऑफ दिस ब्रिज इज 1280 मीटर,
कंस्ट्रक्शन टाइम 1933 टू 1937 एंड द टावर हाइट ऑफ दिस ब्रिज इज 2 to 7 meter. टोटल लेंथ ऑफ वायर, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो इसमें वायर यूज होती हुई थी टोटल, चाहे वो केबल हो या डेक कंस्ट्रक्शन में हो कहीं भी हो, टोटल इसकी वायर जो यूज हुई थी तो 129,000 किलोमीटर थी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है. चलिए आगे बात करते हैं. ये कुछ ब्रिज हैं जो हमारे इंडिया में स्थित हैं. न्यू यमुना ब्रिज, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद में स्थित है. इसकी टोटल लेंथ 1510 मीटर है एंड द लार्जेस्ट स्पान 260 मीटर है. कंस्ट्रक्शन टाइम इसे 4 साल में बना था, जो 2002 से 2004 के बीच में बन के तैयार हुआ था. ऑन द नेक्स्ट इज विद्यासागर सेतु. विद्यासागर सेतु जो हुबली नदी पर कोलकाता में स्थित है. इसकी टोटल लेंथ 822 मीटर एंड द लार्जेस्ट स्पान 457.2 मीटर है. चलिए आगे बात करते हैं मटेरियल के बारे में, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं इसमें. तो गाइस जनरली स्टील इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल टावर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेक. मतलब जनरली स्टील का यूज़ होता है इसमें, केबल के कंस्ट्रक्शन में, टावर और जो डेक बनाई जाती है इसमें उसके कंस्ट्रक्शन में स्टील का यूज होता है. एंड द कंक्रीट इज कंक्रीट ऑल्सो यूज इसमें, कंक्रीट भी यूज होता है जो फाउंडेशन में यूज होता है, पियर्स के फाउंडेशन में जो इसमें पाइल्स बनाए जाते हैं या टावर बोलते हैं, तो उन्हें बनाने के लिए ये फाउंडेशन किया जाता है, उसमें हम कंक्रीट का यूज भी करते हैं. और स्टील इज ऑल्सो यूज फॉर सैडल और ओपन चैनल ऑन विच द केबल रेस्ट अटॉप ए सस्पेंशन ब्रिज टावर. चलिए आगे बात करते हैं डिजाइन इसका, कैसे डिजाइन किया जाता है. ईच सस्पेंशन ब्रिज मस्ट बी डिजाइन इंडिविजुअली इन टू टेक इन टू अकाउंट मैनी फैक्टर. मतलब सस्पेंशन ब्रिज जब हम डिजाइन करते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सारी चीज काउंट करके तब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द जूलॉजी ऑफ द साइट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर द टावर एंड केबल एंड क्रेस एंड मे बी ससेप्टिबल टू अर्थक्वेक. मतलब जैसे हम फाउंडेशन टावर का या एनकरेज का, केबल का, टावर का फाउंडेशन करते हैं या केबल एनकरेज बनाते हैं, तो जो अर्थक्वेक होता है हम उसे भी ससेप्टिबल मतलब काउंट करके चलते हैं. द डेप्थ एंड नेचर ऑफ वाटर बींग ब्रिज. मतलब जब हम ब्रिज बनाते हैं तो पानी की गहराई और नेचर वेचर सब पता करके तब डिजाइन करते हैं. चलिए आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन ब्रिज. ये मेन पार्ट है इसका. कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन ब्रिज मतलब ये जो लोअर में ये फाउंडेशन है पियर्स का और ये टावर है. डेक जो रहती है वो मिडिल रहती है जिस पर लोड आता है और जो ट्रांसफर करता है लोड केबल के थ्रू टावर केबल को और केबल से टावर टू लोअर डेप्थ. ये एनकरेज डेक, मेन केबल, सस्पेंडर केबल मतलब जो वर्टिकल केबल लगे हुए हैं उसे सस्पेंडर केबल बोलते हैं, ये पियर्स है. चलिए आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चार पांच प्रोसेस आते हैं लगभग. टावर कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इज एनकरेज कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इज केबल कंस्ट्रक्शन, डेक कंस्ट्रक्शन एंड द फिनिशिंग. चलिए बात करते हैं हम टावर कंस्ट्रक्शन की. टावर कंस्ट्रक्शन दैट विल स्टैंड इन वाटर बींग क्वेजन. मतलब स्टील एंड कंक्रीट सिलेंडर दैट एक्ट एज अ सर्कुलर डैम. मतलब एक कंक्रीट और स्टील से एक सिलेंडर बनाया जाता है जो कि एक डैम की तरह कार्य करता है, और इसमें हम बनाने के बाद इसे खाली कर देते हैं पानी इसमें से निकाल के, और फिर इसमें हम कंक्रीट भरते हैं और टावर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है टावर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो हम यूज करते हैं. या एनकरेज कंस्ट्रक्शन इट इज ऑल्सो सेम एज टावर कंस्ट्रक्शन. चलिए आगे बात करते हैं डेक एंड केबल कंस्ट्रक्शन. वंस द वर्टिकल केबल आर अटैच्ड टू द मेन सपोर्टेड केबल दैट डेक स्ट्रक्चर मस्ट बी बिल्ट इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द सपोर्ट. मतलब
जो केवल लटकाई जाती है वो दोनों डायरेक्शन में काम करती है, एंड द टावर एट द करेक्ट रेट इन ऑर्डर टू कीप द फोर्स ऑन द टावर बैलेंस एट ऑल टाइम। ए मूविंग क्रेन लिफ्ट डेक सेक्शन इन टू प्लेस वेयर वर्क अटैच देम टू प्रीवियसली प्लेस्ड सेक्शन एंड टू द वर्टिकल केबल दैट हैंग फ्रॉम द मेन केबल मेन सस्पेंशन केबल। चलिए ये पार्ट हो गया डेक एंड केबल कंस्ट्रक्शन का। चलिए आगे बात करते हैं एडवांटेजेस। ये कुछ एडवांटेजेस हैं सस्पेंशन ब्रिज के। लॉन्गर मेन स्पान आर अचीवेबल देन विद एनी अदर टाइप ऑफ ब्रिज। जो उसकी लॉन्गर स्पान होती है वो ज़्यादा अचीवेबल होती है और ब्रिज की अपेक्षा। नेक्स्ट, लेस मटेरियल मे बी रिक्वायर अदर देन ब्रिज। ये मटेरियल इसमें यूज होता है वो कम ही होता है और ब्रिज के मुकाबले। नेक्स्ट, मे बी बेटर एबल टू विदस्टैंड अर्थक्वेक मूवमेंट देन हैवियर एंड रिजिड ब्रिज। एंड ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है तो अर्थक्वेक के मामले में। अर्थक्वेक में जो हैवी या रिजिड ब्रिज होते हैं वो ब्रेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज दिस इज द सस्पेंशन ब्रिज, सो दैट इज बेटर एबल टू विदस्टैंड अर्थक्वेक मूवमेंट। अगर बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस ब्रिज इज लॉन्ग टाइम पीरियड। ये लॉन्ग टाइम पीरियड ब्रिज है, ड्यूरेबिलिटी इसकी और ब्रिज के मुकाबले ज़्यादा है एंड इजी टू मेंटेन। और इसे मेंटेन करना भी इजी है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेशन ऑन लोड, मतलब इट कैन ओनली अलाउ टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट दैट कैन पास थ्रू। इस पर जितना जितने वेट के लिए डिजाइन किया गया उतना ही वेट पास करा सकते हैं। रिक्वायर्ड टाइम एंड मनी, जब इसे बनाते हैं तो टाइम एंड मनी एकदम तैयार होना चाहिए, एकदम बनता है। मतलब ये नहीं कि और ब्रिज की तरह बना दिया, पाइल्स खड़े कर दिए, फिर बाद में बनाते रहो 2 साल 4 साल। लिमिटेड एप्लीकेशन, मतलब इट कैन नॉट सपोर्ट रेल ट्रैफिक विच मोस्ट हैवी कार्गो आर कैरिड आउट थ्रू रेल। मतलब जो भारी सामान लिया जाता है रेल से वो हम इस पर अलाउ नहीं कर सकते। वॉल्यूमिलिटी टू विंड, विंड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ये ब्रेक करने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उससे भी एक डिसएडवांटेज है इसका। चलिए आगे बात करते हैं यूज़ अदर देन रोड एंड रेल। अगर हम रोड एंड रेल की बात करें तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के लिए जाने के लिए, अगर हमारे नज़दीक में ही, ज़्यादा दूर नहीं, हमारे 2 बिल्डिंग हैं और हम अगर उसके लिए नीचे से जाते हैं तो ज़्यादा दूर पड़ता है, तो इसके लिए हम सस्पेंशन ब्रिज दे सकते हैं सिंपली एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। इसके लिए टावर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इससे बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अटैच कर दीजिए और रास्ता बना दो, सिंपल एज द रूल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज डिजाइन। तो इसमें भी इसका खास यूज़ है। चलिए आगे बात करते हैं कंक्लूजन। द डिज़ाइन ऑफ दिस ब्रिज इज़ टू बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द साइट एंड स्पैन कंडीशन। मतलब जो डिज़ाइन इस ब्रिज का होगा वो साइट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, व्हेन ब्रिज स्पान लॉन्ग डिस्टेंस 1 किलोमीटर सस्पेंशन ब्रिज दैट का ओनली ऑप्शन टू ब्रिज डिजाइन। मतलब यहाँ पर अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं। द सस्पेंशन ब्रिज हैज़ ग्रोन इन 4 किलोमीटर यूजिंग पावर यूनिटी। अब तक 4 किलोमीटर लंबाई सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है बस। दे मस्ट बी डिज़ाइन वेरी केयरफुली कंसिडरिंग ऑल फोर्सेस ऑफ नेचर। मतलब जब सस्पेंशन ब्रिज का हम डिज़ाइन करते हैं तो सारे फोर्स, डेड लोड, विंड लोड एंड मूविंग लोड, लाइव लोड, सब सारे तरीके के लोड हम कंसिडर करके तब डिज़ाइन करते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू।